राजस्थान विश्वविद्यालय में फेल हो रही प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। कुलपति सचिवालय के बाहर छात्र लगातार 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर कुलपति को हटाने की मांग कर रहे हैं और साथ ही छात्रावासों में हो रही अव्यवस्था को सही करने की मांग कर रहे हैं। वहीं शनिवार को छात्रों ने कुलपति की गाड़ी का घेराव कर नारेबाजी की। आपको बता दें कि दूसरी ओर छात्रों के इस आंदोलन के खिलाफ छात्राएं कुलपति और प्रशासन के समर्थन में खड़ी हो रही हैं। छात्राओं का कहना है कि छात्र नेता प्रशासन पर दबाव बनाकर हॉस्टल वार्डन को हटाना चाहते हैं और साथ ही कहा कि छात्रों को गर्ल्स हॉस्टल के मामले में दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए। कि पिछले 4 दिन से राजस्थान विश्वविद्यालय में बड़ा मूवमेंट चल रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रावासों को वार्डनों को हटाने के लेके, क्योंकि बड़े स्तर पे विश्वविद्यालय के कुलपति जी और चीफ वार्डन ने मिलकर घपला कर रखा है। इसको लेके मूवमेंट 3 दिन से चल रहा है। 2 दिन से कुलपति जी आ नहीं रहे, स्टूडेंट्स की बातचीत नहीं करे। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष खुद मौजूद है। इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और वीसी साहब ने मिलकर राजनीतिक रूप देते हुए इसे इस प्रकार से स्टूडेंटों को अपना डाल का जरिया बनाते हुए इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन हमारी सरकार से अगर आगे हमारी मांगे नहीं मानी गई, इन्होंने इस स्तर पे जातिवाद कर रखा है कि किसी भी प्रकार से हम इसका अंदेशा नहीं कर सकते हैं। जिस स्तर पे लग रहा है, अगर इस प्रकार का समाधान नहीं कराएगा तो उग्र प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा और हो सकता है यहाँ से हम सिविल लाइन सीएम हाउस जाने की भी तैयारी में। सर, हम है ना छात्रावास में रहने वाली छात्राएं हैं और हमारे हॉस्टल में जो है गर्ल्स की जो चीफ वार्डन है उसमें पुरुषों का इंटरफेयर है और बॉयज हॉस्टल के छात्र और कुछ ऐसे छात्र भी है जिनका विश्वविद्यालय में कहीं संबंध नहीं है, ना किसी कोर्स में एनरोल्ड है और विश्वविद्यालय में भी एनरोल्ड नहीं है। ऐसे छात्र मिल करके और हमारी छात्रावास अधीक्षिका को हटाना चाहते हैं और छात्रावास अधीक्षिका से, चीफ वार्डन से, किसी भी अधीक्षिका से छात्रावास की किसी भी छात्रा को कोई शिकायत नहीं है। 1500 लड़कियों में से किसी भी छात्रा ने छात्रावास अधीक्षिका खिलाफ कोई शिकायत नहीं दी है। पुरुष छात्र मिल करके और कुछ प्रतिनिधियों के बहकावे में आके गर्ल्स हॉस्टल में अपने हिसाब की कोई छात्रावास अधीक्षिका लगाना चाहते हैं और हम लड़कियां इस समर्थन में आई हैं कि गर्ल्स हॉस्टल में पुरुषों की दखलंदाजी बंद की जाए। हम सभी छात्राएं 18 वर्ष से ऊपर की, हम नाबालिग नहीं हैं, हम बालिग हैं, हम अपने अधिकार और कर्तव्यों को बखूबी समझते हैं।